एकता कपूर का सबसे बड़ा शो कुमकुम भाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुमकुम भाग के फैंस के लिए एक बुरी खबर। जी हाँ, इस शो की लीड एक्ट्रेस ने छोड़ दिया है इस शो को। जहाँ खबरें आ रही थी कि 10 तारीख से यानी 10 या 12 जून से इस सीरियल की शूटिंग शुरू हो जाएगी, वहीं इसी बीच में अब ये खबर आ रही है कि इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस ने छोड़ दिया है शो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम श्रुति झा की बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नैना सिंह की, जो इस सीरियल में प्रज्ञा की बेटी रिया का किरदार निभा रही हैं। जी हाँ, इस किरदार को बहुत पसंद किया गया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि कुमकुम भाग में आया था 10 साल का लीव। अभी वो प्रज्ञा अलग हो चुके थे और उनके अलग होने के बाद जब ये वापस मिले तो 10 साल का लीव दिखाया गया था, और इस लीव के बाद ही रिया यानी नैना सिंह की एंट्री हुई थी, जो प्रज्ञा की बेटी का किरदार निभा रही थी। पर अब उन्होंने शो को छोड़ने का फैसला ले लिया है। खबरों की माने तो अध्ययन सुमन की गर्लफ्रेंड मायरा मिश्रा रिया के किरदार को कंटिन्यू करेंगी। खबरें आ रही हैं कि मायरा मिश्रा शायद रिया का किरदार आगे चल के कुमकुम भाग में निभाएं। अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ खबरें आ रही हैं, और जो खबरें हम तक आ रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर रिया इतना बड़ा शो कुमकुम भाग्य छोड़ क्यों रही हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। रिया ने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें इस शो में अपने किरदार से बहुत प्रॉब्लम थी, उनके कैरेक्टर में डेवलपमेंट नहीं था और वो अपने किरदार से खुश नहीं थी। काफ़ी दिनों तक उन्हें लगा कि शायद अब कुछ चेंज हो जाएगा, उनके किरदार में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रिया ने अब इस शो को छोड़ने का फैसला ले लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कई और बड़े शो ऑफर हो रहे हैं जो इस किरदार से कहीं बेहतर हैं, और ऐसे में उनके करियर के लिए ये स्टेप लेना काफ़ी ज़रूरी था। नैना ने अपने करियर की शुरुआत, अगर आपको ध्यान हो तो नैना ने अपने करियर की शुरुआत स्प्लिट विला से की थी। इसके बाद स्टार प्लस के रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट स्टार में वो नजर आई थी। इन दोनों ही शो ने नैना को वो पहचान नहीं दी जो कुमकुम भाग्य से मिली। कुमकुम भाग्य के बाद लोग नैना को जानने लगे, लोगों ने नैना को नोटिस किया। देखते हैं नैना का कुमकुम भाग में अदा किया गया ग्लैमरस किरदार उन्हें कौन से बेहतरीन और नए प्रोजेक्ट देता है। आई एम श्योर जल्द ही हम नैना को किसी नए शो में देखें। तो अब कुमकुम भाग्य के फैंस खुश हो जाइए, क्योंकि जल्द ही यानी 10 या 12 तारीख से कुमकुम भाग्य के सीरियल की शूटिंग शुरू होने वाली है, और आई एम श्योर उसके एक हफ्ते बाद से फ्रेश एपिसोड दिखाए जाएंगे जो आप सभी देख पाएंगे। तो कुमकुम भाग्य यानी प्रज्ञा और अभी के चाहने वालों के लिए है ये एक बड़ी खबर।